फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गीताज काना में। आज हम काना जी के लिए, आज हम दो नंबर काना जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं सर्दियों की, ऊन के लिए ऊन से पोशाक बनाएंगे काना जी की। आइए, ऊन से पोशाक बनाने के लिए देखिए हम ये दो कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इतनी ड्रेस बना के रखी है। वैसे मैं अगली उसमें आपको ये पूरी ड्रेस, लेकिन मैंने इसको बना दिया है पूरा। इतना देखिए हमने इसमें 12 की चेन बनाई है। उसके बाद 12 के बाद हमने 12 ही डबल क्रोशिया किए इसके अंदर, फिर हर क्रोशिया में डबल क्रोशिया किया हमने। उसके बाद में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। 5 के बाद में हमने स्लीव के लिए, बाजू के लिए छोड़ी, 5 छोड़कर फिर हमने बैक के लिए बनाया है। उसके बाद में हमने एक होल में एक ही डबल क्रोशिया किया है। उसके बाद हमने एक में दो बार डबल क्रोशिया किए हैं और एक में हमने एक बार डबल क्रोशिया किया है। उसके बाद हमने दूसरी रो में एक होल में हमने दो बार डबल क्रोशिया किए हैं और दो होल में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। इसी तरह से हमने तीसरी रो भी कंप्लीट की है। आइए हम आगे डिजाइन बनाते हैं। देखिए अब हम अपना धागा चेंज कर लेंगे। हमें ब्लू कलर का धागा ले लेंगे, तो यहाँ से अपने धागे को कट कर देंगे। देखिए अपने धागे को जोड़ लेते हैं। आप धागा यहाँ से जोड़ें या साइड में से जोड़ें। एक देखिए हमारा साइड है, यहाँ पर हमारा बिल्कुल एकदम सेंटर से जोड़ लेंगे साइड के। देखिए इस धागे को अपने साथ में रखेंगे चेन बनाने में। 3 की चेन बनाते हैं। देखिए धागा साथ रखेंगे तो हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग होल में। उसके बाद 5 की चेन बनाएंगे। देखिए 5 की चेन बनाई हमने, 4 डबल क्रोशिए छोड़कर एक पांचवे होल में ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और पांचवे होल में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अगर आपकी चेन में खिंचाव होता है तो आप 6 की चेन भी बना सकते हैं। फिर से 5 की चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 पांचवे होल में ले लेंगे। दूसरे होल में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हो गई है। हम इसको जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से इसको जोड़ देंगे। जो हमने सबसे पहले 3 चेन बनाई थी, और हम 3 की चेन बनाएंगे और इसमें 6 डबल क्रोशिया करते हैं। इसमें हम ये 3 की चेन हो गई और एक हमारा ये हो गया, तो हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। छह डबल क्रोशिया बनाए हमने। अब ये जो हमारा इधर का डबल क्रोशिया है इसको भी पकड़ेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक चेन ले लेंगे, फिर इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाए हमने इधर भी कि इस तरह से। फिर हम इसको टर्न इस तरह से मोड़ लेंगे। ये वाला जो डबल क्रोशिया है इस बेबी में, इसमें भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे। ये दूसरे वाले डबल क्रोशिया में भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे। फिर ये दूसरे वाले डबल क्रोशिया में भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 6 डबल क्रोशिया हो गए। इसको हम जो हमने पहली 3 की चेन बनाई है उसी के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। ये हमारा सर्कल हो जाएगा पूरा। अब हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। पिछली बार हमने पान की शेप में बनाई थी, तो इस बार हमने ये वी की शेप आ गई है हमारी यहाँ पे। तो देखिए अब हम इधर जाने के लिए जो हमारी चेन है 6 की, 6 हमने जो डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी पर हम एक हाफ क्रोशिया बनाते चलेंगे बिगर बुने कि इस तरह से। उसी की सहायता से हम आगे जाएंगे कि इस तरह से बनाएंगे। देखिए जहाँ हमारी वो एक चेन आती है वहाँ तक हम क्रोशिया बनाते जाएंगे हाफ, और उस क्रोशिया तक बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। फिर अगले इसमें
लेंगे, होल में अगले में लेंगे और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, आप 7 भी ले सकते हैं अगर आपका लग रहा है मुड़ रहा है, जैसे मेरा ये अच्छे फ्लावर मेरा अच्छे से फैल रहा है ये डिजाइन, तो अगर आपका सही है, अगर आपकी ऊन पतली है मोटी है तो आप उसमें एक डबल क्रोशिया कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 6 के बाद एक की चेन बनाएंगे और इधर से ही इस डबल क्रोशिया को उठाएंगे, इसमें भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए चेन के पास से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर इस एक चेन लेंगे, इसके बाद ये वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे और इसमें भी 6 की चेन बना लेंगे। एक 2 3 4 5 6, फिर हम जहाँ से हमारा शुरू किया था वहीं पे उसको जोड़ देंगे। ऊपर से क्रोशिया पे धागा नहीं लेंगे, इस तरह से नहीं लेंगे, इसको सिंपल से ही जोड़ेंगे। यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाते हुए जहाँ हमने एक चेन बनाई थी वहाँ तक जाएंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे। आइए हम पूरी रो बना के दिखा देती हूँ आपको। देखिए हमारी रो बनकर कंप्लीट हो गई है, हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगी। ये डिजाइन बनाने के बाद में हम इसको जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे इसको अटैच कर देते हैं। इसको भी हम जैसे हमारे ये सब जुड़े हुए हैं तो इसको भी हम जोड़ लेंगे, यहाँ से लेंगे जहाँ से हमने शुरू किया है। इसके साथ ही हम इस चेन को भी ले लेंगे, पीछे की जो चेन है हमारी, उसको हाफ क्रोशे से ज्वाइंट कर देते हैं। अपने धागे को कट कर लेंगे, धागे को पीछे एडजस्ट कर देते हैं। देखिए एडजस्ट करने के लिए हम एक तार लेते हैं, उसमें से इसको निकाल देंगे। धागा एडजस्ट हो गया है हमारा, हम इसमें आउटलाइन बना लेते हैं। किस तरह से आउटलाइन बनाएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हाफ क्रोशे की सहायता से बनाएंगे हम इसको, कि अपने धागा अपने साथ ही रखेंगे हम इसको। इस तरह से बनाएंगे और इसको पूरे यहाँ से नेक के ऊपर से वहाँ तक बनाएंगे हम। ये जो हमारा धागा है इसको भी हम साथ में रखेंगे, हमें कटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसको। इस तरह से इसको बनाते जाएंगे, पूरा यहाँ तक जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक बना लेते हैं। देखिए हमारी पूरे में बनकर कंप्लीट हो गई है। हम इसको यहाँ से लेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, धागे को पीछे निकाल देंगे, इसको इधर से निकाल के और इसको धागे को कट कर देंगे। इसी तरह से बाजू में भी बना लेते हैं। बाजू में बनाने के लिए यहाँ से हम जोड़ेंगे, इसी तरह से यहाँ पे ही बनाएंगे। धागे को साथ में ही रखेंगे, हमें धागा को कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसी तरह से हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। आप बहुत ही आसानी से डिजाइन बना सकते हैं। आप चाहे तो इसके और भी आगे भी बना सकते हैं डिजाइन को, होल में भी एक स्टोन है जो होल में भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही रखा है इसको। आप जो भी होल में भी लगा सकते हैं कुछ भी।
देखिए बनने के बाद हमारी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।